सड़कों पर जमा पानी अब लोगों को परेशान करने लगा है। जैसे जैसे बारिश हो रही है ऐसे में कई जगहों की समस्या सामने आ रही है। हाल ही में हमने देखा कि कल किस प्रकार से कतरास में सड़क पर जमे पानी की वजह से मंत्री आलमगीर आलम की एक्सीडेंट हो गई थी। स्कॉर्ट करती हुई गाड़ी ने पीछे से धक्का मार दिया जिसमें दोनों गाड़ियां जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई थी। हालांकि किसी को गंभीर चोट नहीं आई लेकिन बड़ा हादसा हो सकता था। वैसा ही एक यहाँ पर हम आपको उदाहरण दिखा रहे हैं धनबाद के तेलीपारा क्षेत्र में। यहाँ पर आप देखिए कि सड़क पर कई अलग अलग जगहों पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है और ऐसे में जो आसपास के लोग हैं उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है। इस मामले पर आइए हम मौजूद लोगों से बातचीत करते हैं, उनकी समस्या को जानने का प्रयास करते हैं और वजह जानते हैं कि आखिर कब से ये समस्या और क्यों इस तरह से समस्या उत्पन्न हो रही है। आइए यहाँ रहने वाले उन लोगों से बातचीत करते हैं जिन्हें यहाँ पर काफ़ी परेशानी हो रही है। आप बताइए क्या आप लोगों की समस्या और कब से ये समस्या? ये शायद फरवरी में रोड बना, यहाँ रात को हम दो दिन जागे, उसका जो ठेकेदार और मुंशी जो आया था उन लोग को बोले कि ऐसे ऐसे बात है, नली ये पुराना नाला है, ये नाला इधर जैसे डाउन होना चाहिए, तो बोला कि देखिए झल झमेला मत कीजिए, हमको काम करने दीजिए, आपका यहाँ पानी जरा सा नहीं रुकेगा। लेकिन लास्ट जो कि है कि जब बारिश हुआ तो देखते हैं कि पूरा पानी जमा, हमारा घर में पानी जमा, लाओ फोटो ले लीजिए, हमारा रूम बरांडा में पानी घुस रहा है, यहाँ दुकानदारी सब इन लोग का एटी डिस्टर्ब हो रहा है, हमेशा पानी गिरता है, कीड़ा मकोड़ा पूरा डस्ट जो उधर से प्लास्टिक जो आता है पूरा जमा हो जाता है मेरा द्वार में। हाँ नगर आयुक्त को भी दिए, नगर आयुक्त को देने के बाद भी प्रभात खबर में दिए, दैनिक जागरण में दिए, हिंदुस्तान में, तब फिर नगर आयुक्त वाला आया, उसके बाद जो है कि से ठेकेदार का मुंशी आया, उसके बाद जो है कि से पार्षद आया, वो भी बोला ठीक है इसका हल निकाल देंगे, लेकिन आज तक कोई हल नहीं निकाला। वो तो करीब आज 10-15 दिन हो गया लगभग, हम तो डेट लिखल नहीं है लेकिन 10-15 दिन हो गया। जब तक देखते हैं कि बार बार यहाँ पूरा कीचड़ जमा हो जाता है, हम लोग का परेशानी होता है, पुराना नाला झाँप के उधर से डाउन मार दिया, मेरा घर पर्सनली घर मेरा पानी घुस रहा है, हमारा मिट्टी का घर है, कभी भी कुछ भी जाल माल को कुछ भी नहीं। पहले ठीक था, मतलब उसके बाद जब से काम हुआ तब से इधर मतलब पूरा हम लोग की तरफ डाउन कर दिया, इधर ऊंचा कर दिया गया, इसी के लिए पूरा पानी हम लोग का घर में घुस जाता है। फिर जाके मेरा घर में पूरा पानी घुस गया था, मेरा सामान का भी नुकसान हुआ, मेरा पापा कंप्लेन किए लेकिन कोई सुनवाई नहीं किया जा रहा है। इसके लिए कार्रवाई किया जाए, मेरा सुनवाई किया जाए, इसके लिए कुछ व्यवस्था कर दिया जाए ताकि मेरा घर में पानी ना घुसे। पहले इधर डाउन था, टोटल पानी इधर ही जाता था, पुराना नाला है, नाला इसको बंद कर दिया, ऊंचा कर दिया इसको, समझ गया ना, अब पूरा इधर डाउन मार दिया है, इधर में मोरम नहीं भरा, ऐसे ही रात को बना के लोग निकल गया। परेशानी पूरा आम जनता को परेशानी है, पूरा जनता को हम परेशानी, पानी में ढूक के जाना पड़ रहा है जनता को, आम पब्लिक को पूरा परेशानी है। जब से बरसात हुआ तब से सड़क ये बना है। पहले जो सड़क था उसमें क्या होता था कि जो पानी है ना वो नाली में चल जाता था, तो ये सड़क इस तरह से बनाया है कि जैसे जिस तरफ नाली है उस तरफ ही ऊंचा कर दिया गया है, तो क्या हो रहा है कि पानी इधर स्टॉक हो जा रहा, तो इसी को अगर डाउन कर देता और यहाँ पे हल्का सा एक होल कर देता, पाइप लगा देता, तो उससे क्या होता कि ये पानी नाली में चल जाता। ऑलरेडी जब नाली है ये है उसके बावजूद भी पानी यहाँ पर स्टॉक हो रहा है, और ये पानी फिर क्या होता है जब बारिश होता है, जब ज़्यादा बारिश होता है तो फिर घर के अंदर चल जाता है, मट्टी के घर है, बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। सब दामोदरपुर के आदमी हैं हम लोग, इसी रोड से जाते जाते हैं, रोड में कहीं भी पानी जमता है तो सारा ट्रैफिक एक ही तरफ जाने लगता है, उससे एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। अभी मैं यहाँ से गुजर रहा था, हल्का पानी हुआ तो देख रहे हैं कि सब लोग एक तरफ दाएँ बाएँ का कोई ख्याल नहीं रख रहा है, पानी से बचने के लिए और गड्ढा से बचने के लिए सब लोग एक तरफ आ रहा है। अभी हम गिरते हुए भी बचे, अभी आप लोग का कैमरा देख करके रुके, देख रहे हैं कि ये निर्माण का ही खामी है, क्योंकि पानी निर्माण यदि ठीक से रोड निर्माण होता तो पानी नहीं जमता, और इस पानी का जमा हुआ पानी से ये साफ दिख रहा है कि इसका जो पीच है ये कुछ ही दिनों में उखड़ जाएंगे, इसलिए इसका निर्माण को यदि सुधार दिया जाए समय रहते तो रोड भी बचेगा और हम लोग राहगीर भी बचे रहेंगे। प्लानिंग का कुछ मतलब है ही नहीं, क्या प्लानिंग का अफसर बैठे हुए हैं पता नहीं।
तो बिल्कुल आपने यहाँ पे मौजूद लोगों से बातचीत की, हमने सुना कि किस प्रकार से उन लोगों ने बताया कि पहले जब सड़क यहाँ पर नहीं बनी हुई थी तब ये समस्या नहीं थी, लेकिन सड़क बनने के बाद जो नाली है उसे नीचे कर दिया गया है और सड़क ऊपर कर दिया गया है, पानी निकास का कोई जगह नहीं बचा है और ऐसे में जब बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है तो पानी काफ़ी ऊपर तक आ जाता है और गाड़ियों के आने जाने की वजह से जो आसपास में जो घर है, जो दुकान है, वहाँ पर पानी अंदर घुसने लगता है जिससे उनके सामान काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाते हैं। इसके अलावा एक राहगीर ने हमें बताया कि पानी से बचने के लिए लोग अपने आप को निकालने के लिए कोई भी ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करते, लेफ्ट या राइट नहीं देखते और वो निकलने लगते हैं। ऐसे में बड़ा हादसा भी हो सकता है क्योंकि लोग गिर सकते हैं, गिरते गिरते लोग बचे भी हैं कई बार और कई लोग ऐसे भी हैं जो कि इस गड्ढे में आकर गिर भी चुके हैं। तो इन्होंने बताया कि इस मामले में इन्होंने नगर निगम को भी अवगत कराया है, वार्ड पार्षद को भी अवगत कराया है, लेकिन केवल आश्वासन मिला है, अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आपको बता दें कि यहाँ से केवल एक पाइपलाइन की अगर व्यवस्था कर दी जाए तो ये जो एक बड़ी समस्या है आसपास के क्षेत्र के लोगों के लिए बनी है, इससे इन लोगों को फिलहाल राहत सकती है। अब देखते हैं कि कब तक इस मामले पर सुनवाई होती है क्योंकि अब बारिश ने सौगात दे दिया है, हालांकि अभी भी उस प्रकार से बारिश नहीं हो रही है। हम उम्मीद लगा सकते हैं कि अगर बारिश मूसलाधार होने लगे तो शायद ये समस्या और विकराल हो सकती है। तो देखते हैं कब तक इस मामले पर अंकुश लगता है और इन लोगों को यहाँ पर राहत मिलती है। इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। अपने सहयोगी संतोष के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोल, धनबाद।